मिथिला किचन में अहाँ सबके स्वागत छै। आइ देखियौ, आइ के हमर सबके भोजन की बनि रहल छै। सुबह में सब नाश्ता केलखिन हँ, तऽ आइ के भोजन छै माछ भात मिथिला के। तऽ आइ हमसब अहाँ के पूरा वीडियो देखेबै कि हमसब केना अपना घर में बनाबै छियै, मिथिला के केना बनै छै मछली। ओना अहाँ सबके पते हैत कि मिथिला में कते फेमस छै माछ भात, एहि बिना तऽ किछु नहि भऽ सकैए। तऽ चलियौ आइ के रेसिपी शुरू करब। अहाँ सब हमरा संगे बनल रहू। चैनल पर सबसे पहले लाइक आ सब्सक्राइब कऽ दियौ। आ आब मैथिली नहि बाजब, हिंदी में बाजब, किएक हमरो घर में कते लोग एहन छथिन जिनका नहि समझ आबै छै मैथिली, आ कते लोग एहन छथिन जे हिंदी समझै छथिन, तऽ हुनका सब लए चलियौ। तऽ देखिए, अब मछली में हल्दी गया और नमक डालेगी मम्मी। अब फ्राई करने से पहले सब डालते हैं ना, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। फ्राई पीस होता है तो फ्राई भी खा सकते हैं ऐसे, अगर आप फ्राई करते हैं तो। तेल भी गर्म हो चुका है हमारा और अब ये जाएगा तलने। देखिए तो तेल में डल चुका है मछली अब फ्राई होने के लिए। इसको फ्राई होने देंगे, अच्छे से लाल हो गई। तो देखिए मछली को अब मम्मी पलटा रही है, उस साइड लगता है हो गया है। तो वैसे इस मछली का नाम हम नहीं बताएं आप लोगों को, ये रेहू मछली है हमारे मिथिला में, रेहू। और हमारे मिथिला का सबसे फेमस तो शायद भाकुड़ है, और हमारे मिथिला में भाकुड़, नैनी, रेहू, रौ, गैंचा, जितना हम खाए हैं वैरायटी वैरायटी हम आपको नाम बता दिए हैं। और मछली, और एक मछली बिगघट है, वो हमारे मिथिला में सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में बिगघट। और वैसे भी मछली हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मतलब मछली के बिना क्या बताएं, ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है। देखिए तो ये पीस निकल गया है फ्राई होके, अब कितना सुंदर लग रहा है। और बाकी का इसमें डाला है और फ्राई होने के लिए, और ये फ्राई भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, हम लोग फ्राई भी खाते हैं। देखिए देखिए मम्मी मेरे लिए निकाल दी है, दे रही है हमको खाने के लिए। बचपन से आदत है हमको, मम्मी के साथ हम बैठते हैं मछली बनाने के लिए और मम्मी हमको अपने हाथ से फ्राई खिलाती है बचपन से, और ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मछली बनाने के साथ साथ, बहुत सारा गप रहता है मम्मी के साथ, बहुत पुराना बात सब मम्मी अपने बचपन का बात भी बताएगी। हम लोग भी ऐसे मछली बनाते थे, खाते थे। और तो फिर से एक बार मेरे मुंह में आ गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है खाना, और आप देख सकते हैं कि और फ्राई हो रहा है इसमें। और मसाला भी हमारा रेडी है, देखिए ये मसाला इसमें थोड़ा सा लहसुन, मिर्ची है सूखा मिर्च, प्याज है, और सरसों बहुत कम मात्रा में डालते हैं हमारे घर में, और धनिया भी है, तो काफ़ी सुंदर अच्छा लगता है खाने में। देखिए तो सारा मछली निकल चुका है फ्राई होके। अब सबसे लास्ट पीस दो मूड़ा है और एक पूछ पीछे से तो अब ये सबसे लास्ट पीस है, ये दोनों फ्राई होगा, उसके बाद मसाला फ्राई करेंगे। वैसे हम कभी नहीं खाते हैं ये मूड़ा, हमको पता नहीं, हमको देख के ठीक है, मछली का पूरा बॉडी हम खा सकते हैं आराम से, लेकिन पता नहीं मूंगी नहीं खाते हैं घर में, बाकी सब मम्मी पापा खाते हैं बस। वैसे अच्छा लगता है देखने में, सबसे सुंदर तो यही लगता है, लेकिन खाते नहीं हैं। बाकी ये सब आप दे दीजिए भर प्लेट, हम आराम से फिनिश करके आपको प्लेट खाली दे देंगे। देखिए तो सारा मछली फ्राई होके निकल गया है और मसाला भी तेल में जा चुका है फ्राई होने के लिए। और मसाला में लहसुन ज़्यादा डालिएगा आप लोग, हम लोग भी ज़्यादा डालते हैं, सरसों कम डालते हैं, और फ़ौरन नहीं डालते हैं तेल में मसाला डालने से पहले हम लोग, क्योंकि मसाला ही काफ़ी होता है। वैसे सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं और हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है,
तो अगर आप लोग फ्राई करना चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं। तो फ्राई होने के साथ साथ उसमें टमाटर भी डाल सक दीजिए आप, क्योंकि टमाटर का गलना भी ज़रूरी है। तो अब इसमें हल्दी डालने की बारी, और अब नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालें। हमारे घर में कम नमक डालते हैं, कम नमक ही खाते हैं। मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। देखिए तो मसाला अब काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है, बगल से तेल भी अब छोड़ रहा है, तो लगता है अब इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अब इसमें पानी डालेंगे हम, और मसाला इतने अच्छे से भुनता है तभी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक मसाला आपका अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। तो अब इसमें पानी डल रहा है, देखिए ज़रा सा पानी डाल के इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे सभी मसाले को इकट्ठे, और फिर आप जितना आप रखना चाहते हैं ग्रेवी उतना पानी डालिए। ज़्यादा आपको चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें पानी डल गया है अच्छे से। तो ग्रेवी हम ना ज़्यादा पतला रख रहे हैं ना ज़्यादा हम हैवी रख रहे हैं, नॉर्मल है। तो अब आप जैसे आपके घर में बनता हो, आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं या कम, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए तो हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब तो अब इसमें मम्मी मछली जो फ्राइड है उसको डाल देंगी और इसको ढक देंगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा सारा फ्राई पीस जो था चला गया है ग्रेवी में। अब इस ये ढका जाएगा 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको ढक देंगे हम, जैसे बताया मैंने आपको कि 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा जो मछली तैयार हो जाएगा, तो हम आपको अपनी प्लेटिंग दिखाएंगे और स्वाद भी बता ही देंगे खा के कैसा बना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या हाल है हमारे मछली का। तो देखिए अब ये पूरा तरह से तैयार हो गया है, और अब इसमें धनिया पत्ता गया और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम खूबसूरत। खाने में भी उतना ही मज़ेदार लगेगा आज, क्या बताएं, मेरा तो अभी से मन हो गया खाने का। सोच रहे वीडियो बंद करके हम खाने बैठ जाते हैं। तो अब गैस हम बंद कर देंगे और आपको हम प्लेटिंग दिखाएंगे अपनी। तो देखिए हमने अपनी प्लेटिंग कर ली है, चावल मछली और सलाद हमारा प्याज मूली नींबू और मिर्ची है। तो हमारा आज का खाना तैयार है मिथिला किचन में, तो माछ भात तैयार है अहाँ सब ले। रेसिपी अहाँ सब पूरा देखलिए, नीक लागल है तो अहाँ सबके लाइक जरूर करबे, शेयर करबे अहाँ सबके नीक लागल है। तो माछ भात अब खाए के समय भ रहा है, बड़ी देर से बर्दाश्त कीनी छी हम। चलू तो आय के वीडियो अत समाप्त करै छी, काल फेन भेट होत अहाँ सबसे। धन्यवाद।